14 वर्ष के लिए राम जी वन में आए हैं। वन मिला राम जी को, वन को भगवान प्रेम से स्वीकार कर लिए। राम जी को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो राम जी ये बात को सुनकर नाचने लगे, प्रसन्न हो गए। क्योंकि बालपन में ही राम जी, आज लोग कैकेयी मैया को दोष लगाते हैं कि माता कैकेयी राम जी को वनवास दे दी। नहीं, बालपन में ही राम जी एक दिन चारों भाई खेल रहे थे, मैया बैठी थी पीछे से, जाकर राम जी आंख पर दोनों हाथ, मैया कैकेयी के आंखों पर दोनों हाथ डाल दिए और बोले कि मैया बतलाओ कि मैं कौन हूं। मैया कही कि बेटा तुम शत्रुघ्न लग रहे हो। राम जी ने कहा कि मैया सही सही बतलाओ मैं कौन हूं, क्योंकि चारों भाई का प्रादुर्भाव एक साथ ही हुआ, बालपन का अवस्था है, तोतरी बोली है। मैया कहकर कही कि बेटा कहो तुम कौन हो। राम जी ने कहा कि मैया कहने से पहले तुम एक वरदान दो मुझे, इस राम के लिए तुम्हें अपजस भी उठाना पड़ेगा, एक समय आएगा दुनिया वाले अपजस लगाएंगे तुम्हें। मैया कहकर कही कि बेटा यदि अपने राम के लिए जगत में अपजस भी सहना पड़े तो मुझे उसकी चिंता नहीं है। बेटा कहो क्या वरदान मैं तुम्हें दूं, तुम पर तो मैं अति प्रसन्न हूं। राम जी ने कहा कि मैया जिस समय मुझे पिताजी राज सत्ता सौंपने के लिए तैयार होंगे, जब अयोध्या का राजा जिस समय बनाएंगे उस समय तुम मैया दो वरदान तुम्हारे पास है, वो वरदान तुम मांग लेना उनसे कि भरत को राजगद्दी और राम को वनवास। मैया कहके कही कि बेटा चिंता नहीं करो, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। राम जी अपनी मर्जी से 14 वर्ष के लिए वन में गए। वन नहीं जाते तो जिन राम जी के लिए ऋषि मुनि साधु संत तपस्या कर रहे थे, जैसे सबरी मैया तपस्या कर रही थी कि राम हमारे घर पधारेंगे, फिर उनका उद्धार कैसे होता। ऋषि महात्माओं का उद्धार के लिए राम जी वन में गए, फिर रावण का अत्याचार भी बढ़ गया था। भगवान 14 वर्ष के लिए वन में गए, जिन वन से उनकी पत्नी को किसी दुष्ट निशाचर ने चुरा कर ले गया, भगवान सीता जी का खोज करने लगे। खोजते खोजते समुद्र पंपासर के पास आए, बाली के डर से सुग्रीव जी छिपकर रह रहे हैं। अभी हनुमान जी और राम जी में मुलाकात नहीं हुई है। जब सुग्रीव जी ने देखा कि दो व्यक्ति खड़े हैं तो हनुमान जी से कहे कि आप जाइए पता लगाइए
हनुमान जी गए, राम जी से परिचय पूछे। जैसे ही राम जी अपना परिचय दिए, हनुमान जी गए ब्राह्मणों के वेश में। जब भगवान अपना पूरा परिचय दिए तो असली वेश में आ गए। भगवान के चरण में गिर गए हनुमान जी। हनुमान जी को उठाकर राम जी अपने हृदय से लगाए। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, जैसी दशा आपकी है वैसी ही दशा सुग्रीव की भी है। सुग्रीव जी से आप मित्रता कर लीजिए। भगवान बोले कि सुग्रीव जी रहते कहां है? हनुमान जी ने कहा कि वे प्रवरसनगिरी पर्वत पे छिप कर रह रहे हैं, भाई के डर से रह रहे हैं। उनकी भी पत्नी को भी बाली जबरदस्ती बलपूर्वक चुरा रखा है। हे प्रभु, राम जी चलने को तैयार हो गए। हनुमान जी कहे कि प्रभु, पैदल पांव चलना चलने में तो काफी टाइम लगेंगे। यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं क्षण में सुग्रीव जी से मिला सकता हूं। भगवान कहे कि अच्छा, तुम क्षण में मुझे मिला दोगे? हनुमान जी कहे कि हाँ हे प्रभु, ये आपकी कृपा है। ये आपकी कृपा है। हनुमान जी कहे कि आपको मैं कोरा में भी उठाकर ले जा सकता हूं, लेकिन कोरा में उठाऊंगा तो मुझे आपको पकड़ना पड़ेगा, और आपको जो पकड़ना चाहता है, हो सकता है कि आप छूट भी जाओगे। हाँ, लेकिन आप जिसको पकड़ लेते हो वो छूटता नहीं है, वो गिरता नहीं है, वो टूटता नहीं है। इसलिए हे प्रभु, आप मेरे पीठ पर बैठ जाओ। भगवान से निवेदन हर आदमी को यही करना चाहिए कि हे प्रभु, मैं तो साधारण जीव हूं, मैं आपको पकड़ूं या ना पकड़ूं, लेकिन आप मुझे पकड़ लो हाथ, मेरा जीवन का बेड़ा पार हो जाए। हाँ, राम जी लक्ष्मण जी को अपने पीठ पर बिठा कर लाए सुग्रीव जी के पास। मित्रता हुई। मित्रता होने के पश्चात भगवान बाली का वध किए, कृष्णा का राजा सुग्रीव जी को बनाए। सुग्रीव जब जी जब राजा बन गए तो चतुर्मास आ गया, चार महीने का समय, वर्षा का समय। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया आप कहिए सुग्रीव जी, बंदर भालू को भेजकर भाभी का खोज करवावेंगे। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, अभी सीता का खोज करवाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि चतुर्मास आ गए। चार महीने बीत जाने के बाद सुग्रीव जी हर दिशा की ओर दूत भेजकर सीता का खोज करवावेंगे। एन केन प्रकारे न चार महीना भी बीत गए। अब राम जी लक्ष्मण जी से कहे कि देखो लक्ष्मण, सुग्रीव का काम बन गया तो मेरा काम भूल गया। लक्ष्मण जी तुरंत क्रोधित हुए, बोले कि भैया आप आदेश तो दीजिए, अभी मैं जाता हूं, जिस बाण से आपने बाली को मार गिराया है उसी बाण से मैं सुग्रीव का भी वही हाल करूंगा। लक्ष्मण जी इतना क्रोध में आ गए,